ਜੇ ਪਟੇ ਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਇਹ ਚੋਂ ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜੋ ਸਕੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਾਣੇ ਕੀ ਸਟੋ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਕੀਜ਼ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਚਲਣ ਪਾਉਂਦਾ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਪਹਿਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਟ ਇਹ ਮਾਰੀਆ ਵੀ ਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲਰ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਐਸੇ ਫੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸੂਟ ਪਹਿਨਾ ਹੁਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਨੂੰ तो थोड़ा ईद वाला जो है ना मुझे फील है तो वो मैंने चेंज करके ये पहन लिया। इसमें जो फ्रंट में थोड़ी एक एम्ब्रॉयडरी है और थोड़ा लाइट सा भी है, वो वाला जो है ना थोड़ा हैवी था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको दिल से ईद मुबारक कहती हूँ। ईद वाले दिन मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट तो किया लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किया, बस सुबह से ही जो मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया, यही के ड्रेसेस चेंज करने की और ईदी के लिफाफे बनाने की। लेकिन उसके बाद पता है कि दिल मेरा ऐसा उदास था कि जो है ना मुझसे कुछ भी जो है ना रिकॉर्ड नहीं हुआ। ईद पे जिस तरह हम खुशियों से तो ईद को मनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपने मुल्क की और अपने घर की बहुत ही याद आने लगती है, अपने पेरेंट्स की, अपने अम्मी अबू की। तो मुझे भी इस टाइम बहुत जो है ना मेरा दिल उदास हो रहा था, तो मुझसे जो है ना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई पाई। मैं जेठ के घर गई थी, मैं अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू पार्टी थी, लेकिन मैं कोई भी वीडियो वहाँ पे भी नहीं बना सकी। अभी हम जा रहे हैं और इसके बाद जो है ना मेरी ईद की वीडियो डन है। और ये है मेरी ईद के दूसरे दिन की, जब मैं तैयारी कर रही थी ईद के तीसरे दिन, मैंने अपने घर में अपने जेठ वाले, मेरे जो जेठ हैं तीन, वो और मेरी नंदों की मैंने दावत की थी ईद की। तो बस ये तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं जो है ना फ्रूट ट्रैफल बनाने लगी हूँ, जिससे पहले जो है ना मैंने दो जेली बनाना फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है ना मैंने बना कर रख दी थी। जेलीज में जो है ना मैं कोशिश करती हूँ पानी थोड़ा कम डालूँ, अगर कम, वैसे इनकी मेजरमेंट में तो ये होता है कि दो कप आप डालें, अगर दो कप में से मैं एक सवा कप डालती हूँ तो ये कि जेली थोड़ी जो है ना थोड़ी सख्त ही बनती है और वो खाने मज़े की होती है। अगर आप जो है ना दो कप ही पानी डाल देंगे तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देती है, एक दो कट लगाने के बाद, मतलब कट लगाने के बाद पानी छोड़ देती है, तो मज़ा नहीं रहता। तो अगर आप पानी थोड़ा कम डालेंगे तो वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो जेली को तो मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए पहले ठंडा किया और फिर फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए मैंने लिए थे 3 लीटर खीर, कह रही हूँ सिंधी में, मिल्क लिया था। और ये कि फिर उसको गर्म किया, मैंने चीनी डाली उसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, नॉर्मल सी डाली थी। फिर उसके बाद फिर 1.5 कप मैंने अलग से मिल्क लिया और उसमें जो है ना मैंने तकरीबन 6 चम्मच बड़े से जो है ना मैंने घोल कर और वो मैंने कस्टर्ड में डालकर कस्टर्ड को पका लिया था और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो कस्टर्ड क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा था तो बॉयल होने में इसको काफ़ी टाइम लगा, मुझे काफ़ी जो है ना देर यहाँ पर खड़े होकर इसको बनाना पड़ा। तो कस्टर्ड को फिनिश करके इसके बाद मैंने फौरन ही रात के टाइम पे ही मैंने जो है ना चिकन टिक्का, उनको मैरिनेशन की स्टार्ट कर दी। तो उसके लिए पहले मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर लेमन जूस, और उसके बाद मैंने डाला इसमें नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये के ऑरेंज फूड कलर, वो मैंने डालकर पहले जो है और दही 1.5 कप वो मैंने डाली और फिर जो है मैंने इसको मैरिनेट कर लिया। और फिर उसमें से जो है ना आप देख रहे हैं मैंने मिर्चें वगैरह नहीं यूज़ की, मैं अपने बेटे के लिए थोड़े परहेजी बनाती हूँ क्योंकि वो मिर्चें नहीं खा सकता, तो मैं उसके लिए मैंने अलग से निकाली थी लेग पीसेस। और बाकी को जो है मैंने शान तंदूरी मसाला और शान टिक्का मसाला दोनों मिक्स करके और वो चिकन लेग पीसेस को मैंने लगा दिया था और मैंने ओवरनाइट इनको जो है ना स्टीम कर रही हूँ मैरिनेट किया था। तो चिकन लेग पीसेस निकालने के बाद मेरे बेटे के लिए तकरीबन मेरे पास 16 थी, काफ़ी लोग माशाल्लाह आ रहे थे तो मैंने कहा अच्छे से जो है ना खाना बनाओ। कस्टर्ड भी मैंने इससे पहले जो है ना एक बॉल बनाया था तो वो ख़त्म हो गया था जब मैंने पहले दावत की थी फ्रूट ट्रैफल, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आता है। तो आज जो है ना मैं 2 बॉल बनाने वाली हूँ। आपने देखा मैंने 3 लीटर मिल्क लिया था, वो भी मतलब ज़्यादा ही क्वान्टिटी था। अब ये फ्रूट्स में मैं डाल रही हूँ बनाना, कीवी फ्रूट, तो उर्दू में बताती चलूँ कीवी तो कीवी कहते हैं, कीवी को कीवी कहते हैं। और मैंने इसमें डाला केला और ये 2 सेब और अंगूर, वो मैंने काट कर पहले ही रख दिए हैं। और अब जो है मैं इसकी असेंबली कर रही हूँ, पहले मैंने फ्रूट डाला बॉल में और फिर ये जली के पीसेस वो डाल रही हूँ, उसके बाद मैं केक के पीसेस वो मैंने बनावा लिया था रेडीमेड वो डालकर, और फिर जो है मैं थोड़ा सा मिल्क लेकर
प्लेन मिल्क जो दूध होता है वो जो है ना केक के ऊपर थोड़ा डालूंगी। अगर वो नहीं डालती तो ये कस्टर्ड को जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता केक, इसका वो सारा मॉइस्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाता और फिर कस्टर्ड जो है ना खाने में वो स्मूथ और सॉफ्ट ना फील होता। तो उसके बाद उस केक के ऊपर जो है ना मैंने दूध को छिड़क दिया था थोड़ा सा, और दूध छिड़कने के बाद मैंने कस्टर्ड ऊपर से डाला और डेकोरेट करने के लिए केक के पीसेस और ये के मतलब थोड़े से चूरा करके केक के पीसेस और जेली से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया था। और अभी सुबह का टाइम था तो मैं बना रही थी मटन पुलाव मतलब मटन बिरयानी। तो सबसे पहले सुबह सुबह ही मुझे थोड़ी नींद भी करनी थी, तो मैंने सुबह को जो है ना गोश्त को बॉयल कर लिया था नमक और हल्दी और ये कि अदरक लहसुन डालकर, तो बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया था, वो सॉफ्ट हो गया था। तो जब मैंने प्याज ब्राउन की और ये डाला गोश्त, वो तो बिल्कुल गल नहीं लगा था। फिर मैंने क्या किया कि मैं बता रही हूँ कि ऐसी अगर आपके साथ कंडीशन हो जाए तो आप क्या करें। तो पहले देखा आपने मेरे प्याज बॉयल की और फिर गोश्त डाला और ये कि बिरयानी मसाला डाला और गोश्त को मैंने हल्के हाथ से जो है ना हिला रही हूँ और ये कि अभी दही डालकर मसाला भी पहले मैंने डाल दिया और आप जो भी डालना चाहें हरा मिर्च और हरा धनिया पुदीना टमाटर डालकर, और ये मेरे पास सॉफ्ट सा स्पैचुला है जिससे हम केक वगैरह कोई बैटर बनाते हैं वो उतारते हैं पैन दूसरे में बेकिंग ट्रे में। तो ये जो है ना इसने मेरी बहुत हेल्प की और मैंने गोश्त को जो ना हल्के हल्के हाथों से इसके साथ घुमाया और जो यखनी थोड़ी बची थी वो मैंने डालकर वो थोड़ी देर के लिए कवर करके मैंने गोश्त को पका लिया। मैंने ज़्यादा भूना नहीं, अगर मैं ज़्यादा भूनती तो ये तो बिल्कुल ही चूरा हो जाता। तो ये मैंने एक टेक्निक की है, अगर आपका अगर गोश्त पहले ही गल जाता है तो आप इसको ऐसे जो है ना अगर ट्रीट करेंगे मतलब बनाएंगे तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप जो है ना आपके बहुत काम आएगी। और चिकन टिक्का को मैंने बेक करने के लिए रख दिया था और साथ में ये कोयला जो है मैंने जलाकर और पहले ही जो है ना इसको ओवन में डाल दिया ताकि थोड़ा इसके धुएं से खुशबू हो। और अभी सलाद भी बना रही हूँ, सलाद का भी मुझे बहुत शौक था खाने का कि मैं ट्राई करूँगी लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बची। तो सलाद को मैंने सिंपल से स्टाइल में बनाया था, सिर्फ ये कि कुकम्बर खीरा जो होता है वो टमाटर उससे मैंने डेकोर किया और प्याज को काट कर पहले मैंने वॉश किया और उसमें मैंने ऐड किया सुमेक पाउडर और ये लेमन जूस वो डालकर, और फिर मैंने जो है ना ये देखिए अनियन को मैंने रख दिया और बहुत मज़े की वो सैलेड बनी थी, बिल्कुल भी नहीं बची थी। और ये मैंने दही फुलकियाँ और चना चाट वो भी मैंने साथ में बना ली थी। अगर ये छोटी चीज़ें अगर आप दावत में ऐड करते हैं ना तो ये आपके दस्तरखान को बहुत ज़्यादा रौनक बख्शती हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक तो ये कि आपके दस्तरखान बरकत भी आती है और कलरफुल भी बन जाता है आपका दस्तरखान। ये देखें बिरयानी और मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने दम पे लगा ली थी और इसकी बोटियाँ जो है ना बिल्कुल भी नहीं टूटी थी, जबकि गल बहुत चुका था गोश्त लेकिन इसकी बोटियाँ भी नहीं टूटी थी और टेस्ट में भी बिल्कुल मज़े का ही बना था। कयो भाई पूरे दिखाण लगे व्यूअर्स के दिखाई ना मकी ने के बेंटेन का हुआ है जेको है ना ई गोश बूटी डिस वरी कुछ बची हुआ है ना तो जो इलाही केयरफुली छाए हुआ है ना के बिरयानी के तो तक्के बनाकर मैंने फ्रेंच फ्राइज वही बना लिए थे तिक्कों के साथ सर्व करने के लिए, और पापड़ मतलब चाट के साथ मैंने गोलगप्पे भी ट्राई करना चाहा कि वो भी जो है ना मैं सर्व करूँगी, लेकिन उसकी हालत कंडीशन ये भी कि मेरी बेटी से उन पर गिलास गिर गया ऊपर से उठाते हुए गोलगप्पे के ऊपर, वो सारे जो है ना ज़मीन पर बिखर गए और मैं गोलगप्पे सर्व नहीं कर सकी। जा पटे दे गोल गप्पा गोल गप्पा। मैं अभी सुन रही हूँ मेरे जेठ जो है ना वो आकर एक दूसरे इतना मजाक करते हैं इतनी बात मजे की करते हैं कि इंसान बस हंसता ही रहे। तो इनका मतलब अच्छी जब भी करते हैं गेदिंग माशाल्लाह रौनक हो जाती है घर में और मुझे बहुत मज़ा आता है, मेरे बच्चों की वो भी बहुत इंजॉय करते हैं जब इसके इनके जो है ददियाल वाले चचा और फुप्पो वगैरह आते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है मेरे बच्चों को भी। चुल्हो आ नो तॾहिं गरम थी वियो आहे घर चुल्हे जे करे, ही बोर्ड आहे चिकन जो प्याली में विझी वठो प्यालियूं अथव न अचे हिन रखी सघे
आइसक्रीम जो उसको खाने जाऊँ खाने में आइसक्रीम जो। तो ये घर में जैसे मैंने जो है कुकिंग की थी, हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो मेरा पूरा अपार्टमेंट जो है शदीद किस्म का गर्म हो गया था और गर्मी बहुत ज़्यादा आज ही भी थी ईद के तीसरे दिन, वरना तो काफ़ी दिन जो है ना नॉर्मल अच्छा सा वेदर था बहुत ही। तो बस खाना वाना खा के डिज़र्ट सर्व करके हम लोगों ने ये कि चाय पी और उसके साथ ये बिस्कुटी और कुकीज़ वगैरह वो भी इंजॉय किए और बहुत ही मज़ा आया सब सब लोगों के साथ हमें। और जब ये सब चले गए तो मैंने जो है ना फिर से पहले एक तो क्लीनिंग की थी सबके आने से पहले, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, और अब जो है ना सबके जाने के बाद मुझे हर चीज़ जो है ना शुरू से ही वापस रखनी पड़ी। बच्चों ने चीज़ें पता नहीं कहाँ की कहाँ रख दी थी, प्लांट्स ये छोटा वाला वो भी पता नहीं मुझे किसी कोने में से मिला था, तो मैंने फिर से जो है ना सफाई करना शुरू की। छुट्टियां होती है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं घर को जो है ना साफ़ सुथरा करके बैठूं, वरना अगर ना करूं तो मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। और मेरी बेटी भी कह रही थी मम्मी आजकल आप जो है चिड़चिड़े भी नहीं हैं, मैंने कहा ऐसी वजह से क्योंकि मैं घर को साफ़ करके बैठी हुई होती हूँ, अगर घर जो थोड़ा भी ख़राब हो ना तो मुझे सुकून नहीं आता। तो ये मेरी जेठानी वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी ईद का, ये था जो है ना एक हैंड लोशन, इसकी खुशबू वाकई बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मतलब प्यारी सी खुशबू है। और दूसरी थी शायद लिप ग्लास या लिप बाम, वो ये दोनों थी। और एक स्कार्फ लाई और एक ड्रेस लाई जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू माशाल्लाह। तो ये थी वो ड्रेस, अभी आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रही लेकिन ये इसका कलर भी ब्लैक एंड और ऑफ वाइट था, बहुत ही प्यारा कलर था और मुझे जो है परफेक्टली फिट आई तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आई। तो बस इतना ही था मेरा ईद का थर्ड डे का व्लॉग, फर्स्ट डे में इतना नहीं बना सकी। तो बस मिलूंगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।